डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। कश्मीरी पंडितों पर फारूक का बेबाक बयान, पलायन की वजह दिल्ली में बैठी हुकूमत थी, अगर मैं जिम्मेदार निकला तो कहीं भी कभी भी फांसी चढ़ा देना। अहिर रेजिमेंट आंदोलन को लेकर राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने किया समर्थन। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पहुंचे जोधपुर, मृतक जितेंद्र पाल मेघवाल के परिवार से करेंगे मुलाकात। और खबरें विस्तार से। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। हाल ही कंट्रोवर्सी के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर पहली बार बयान दिया। फारूक ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के प्लान की वजह तब दिल्ली में बैठी सरकार थी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वो इसे प्लान के जिम्मेदार निकालते हैं तो जहां चाहे उन्हें फांसी चढ़ा देना। फारूक अब्दुल्ला ने आज तक को दिए इंटरव्यू में कहा कि हर कश्मीरी चाहता है कि कश्मीरी पंडित लौटे। 1990 में जो हुआ वो साजिश थी। कश्मीरी पंडितों को साजिश के तहत भगाया गया था। उस वक्त जो दिल्ली में बैठे थे वो इसके लिए जिम्मेदार है। वहीं कश्मीर फाइल्स पर अब्दुल्ला ने कहा कि ये फिल्म दिल जोड़ नहीं रही, तोड़ रही है। इस आग को हम बुझाएंगे नहीं तो ये सारे देश की शोले की तरह जला देगा। मैं वजीर आजम से कहूंगा कि मेहरबानी करके ऐसी चीजें न करें जिससे मुल्क में ऐसी सूरत बन जाए जैसे हिटलर के जमाने में जर्मनी की बनी थी। कश्मीरियों का दिल जोड़े बगैर अमन मुश्किल है। खबर सिरोही से। जांजावाल में भाजपा मंडल की बैठक सोमवार को जिला महामंत्री जय सिंह राव के नेतृत्व में व मंडल अध्यक्ष नारायण सिंह देलदर की अध्यक्षता में उड के श्री चामुंडा माता मंदिर परिसर में आयोजित हुई, जिसमें महामंत्री राव ने उपस्थित सदस्यों को समय पर बूथ समितियों का कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही 28 मार्च को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के 28 मार्च को मंडल में होने वाली सभा को लेकर भी तैयारियां व स्थान आदि के बारे में चर्चा की। खबर जोधपुर के बिलाड़ा से, जहां भोपालगढ़ के रजलानी में राज्यसभा चुनाव 2022 के लिए उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर एक युवा ने अपने खून से पार्टी नेताओं को खत लिखा जो खूब वायरल हो रहा है। अलग अंदाज से कार्य कर हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले पारस गुर्जर ने इस बार अपने रक्त से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। किसान नेता व क्षेत्र की जनता के बीच रहकर हर किसी के सुख दुख में साथ निभाने वाले भामाशाह पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ को राज्यसभा का टिकट देने की मांग को लेकर NSUI के राष्ट्रीय संयोजक व जोधपुर जिले के ग्राम पंचायत रजलानी के युवा सरपंच पारस गुर्जर ने अपने रक्त से मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा। युवा नेता पारस गुर्जर ने अपने रक्त से पत्र लिखकर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी व राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट व गोविंद सिंह डोटासरा से मांग की कि किसान नेता व पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ को इस बार राज्यसभा का टिकट दिया जाए ताकि मारवाड़ की जनता के साथ तमाम किसान वर्ग की उम्मीदें बनी रहे। साथ ही बद्रीराम जाखड़ कांग्रेस के सच्चे सेवक होने के साथ साथ पार्टी के लिए सदैव वफादार व तत्पर रहते हैं। वह किसान कौम से ताल्लुक रखने के लिए वो हमेशा ही दीन दुखियों, गरीबों, किसानों व दलितों के सुख दुख में सहभागी बनकर उनकी हर संभव मदद करते हैं। वहीं जोधपुर में अवैध हथियारों के खिलाफ जोधपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन अंकुश के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने दो अलग अलग कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 अवैध हथियार बरामद किए। ऑपरेशन अंकुश के बारे में बताते हुए DCP भुवन भूषण यादव ने बताया कि इलाके में बढ़ रहे अवैध हथियारों के खिलाफ ऑपरेशन अंकुश चलाया जा रहा है और इसी के तहत DST टीम और महामंदिर थाना पुलिस ने भदवासिया इलाके में कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 हथियारों सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके नाम अभिषेक उर्फ अभी और माधाराम है। इनके कब्जे से 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दूसरी बड़ी कार्रवाई भंडार थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर की। 1 देसी कट्टे के साथ सरवण निवासी रामाड़ावास खुर्द को गिरफ्तार किया। खबर जोधपुर से, जहां इंडिगो दिल्ली की फ्लाइट से चंद्रशेखर जोधपुर आए, जहां एयरपोर्ट पर भीम कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ मौजूद रही। एयरपोर्ट पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। जोधपुर एयरपोर्ट से पाली के बारवा गांव के लिए चंद्रशेखर रवाना हुए, जहां जितेंद्र हत्याकांड को लेकर बारवा गांव में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। मृतक जितेंद्र पाल मेघवाल के परिवार से भी चंद्रशेखर आजाद मिलेंगे।
किया होता तो मुझे लगता है कि ये घटना नहीं होती, किसी की जान नहीं जाती। सर भीम आर्मी खुद आज इस मामले में यहाँ पहुँचे, आप खुद यहाँ पहुँचे हैं कि क्या कुछ आप अपनी ओर से क्या कोशिशें करेंगे? देखिए मेरा काम है पीड़ित परिवार की जो मांगे हैं जो वो फेस कर रहे हैं उसको आप मीडिया के साथियों के द्वारा पूरे देश के जो लोग जो जानना चाहते हैं कि राजस्थान में ऐसा क्यों हो रहा है उनके सामने रखना, उनकी जो मांगे हैं मैं यहाँ के अधिकारियों से यहाँ की जो सरकार है उससे भी बात करूंगा कि उनकी मांगों पे काम, राजस्थान सरकार ने अगर सही तरह काम किया होता शायद ये हालात ना बनते, और राजस्थान में घटनाएं बढ़ रही है। अगर कानून व्यवस्था पे यहाँ काम देखते तो यहाँ की सरकार बहुत अच्छा काम नहीं कर रही। मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि जनता की जो विरोध इच्छाएं थी उनके खिलाफ काम हो रहा है, और यहाँ भी मुख्यमंत्री सामंतों को सपोर्ट कर रहे हैं अच्छा नहीं है, जो अन्याय का समर्थन करेगा हम लोग उसके खिलाफ लड़ेंगे। मुख्यमंत्री कोष से कल 5 लाख की राशि दी गई, मुख्यमंत्री हमारे भाई को वापस ला के दिखाएंगे, हम मुख्यमंत्री को 10 लाख रुपए देंगे या वो बताएं कितने पैसे चाहिए, वो हमारे भाई को वापस ला के दिखाएंगे, और अगर वो कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो क्या क्यों बैठे हैं कुर्सी पे, इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं, तो ये नहीं चलेगा। 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए वो तो हम ही दे देंगे, मुख्यमंत्री बताए कितने पैसे। जोधपुर के तिमरी पंचायत समिति के बालरवा ग्राम पंचायत में रावणा राजपूत सेवा संस्थान की बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में तिमरी तहसील के अध्यक्ष महेंद्र सोलंकी रहे, जहां बैठक में कहा कि संस्कार और अनुशासन को जरूरी बताते हुए वर्तमान समय की चकाचौंध को देखते हुए समाज के युवाओं के लिए समय समय पर संस्कार शिविर का आयोजन होना चाहिए। इस दौरान युवा अध्यक्ष अचल सिंह, नरपत सिंह, जगदीश सिंह, इस बैठक में जिला अध्यक्ष राम सिंह चाड़ी ने कहा कि आज युवाओं को गाँव व तहसील स्तर पर नियुक्त किया है, जिससे समाज में गाँव तहसील तक संगठन को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। खबर श्रीकोलायत से, जहां राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री रामेश्वर डूडी का मंगलवार को नवोदय तिराहा NH11 पर, नाइयों की बस्ती गजनेर तिराहे पर अकासर सरपंच सुंदर राठी और अकासर पूर्व सरपंच प्रभुदयाल गोदारा, ओम प्रकाश सेन और प्रधान रेवतराम सहित गणमान्य लोगों ने स्वागत किया। साथ ही कोलायत के महेंद्र सिंह सर्किल पर डूडी का स्वागत पूर्व सरपंच देवी सिंह रावलोत, भागीरथ सिंह फौजी, हीरालाल नायक सहित सैकड़ों लोगों ने किया। खबर मध्य प्रदेश के शहडोल से, जहां समस्त सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी व शासकीय उचित मूल्य की दुकान के कर्मचारी आज अपनी उचित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय शहडोल में अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि कर्मचारी अपनी नियोजित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन आंदोलनकारियों का कहना है कि हमें शासकीय वेतनमान दिया जाए क्योंकि हम लोगों का वेतन बहुत कम है, और उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना काल के विषम परिस्थितियों में भी जहां एक और देश में लॉकडाउन लगा हुआ है तो परंतु हम लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने कार्य को बड़ी ईमानदारी से किया। देखना होगा कि इन कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ाया जाता है या फिर उनका शोषण इसी प्रकार से रहेगा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से खबर, जहां जिले के राही ब्लॉक के बेला टेकई गांव सभा में किसान मेला और कृषि गोष्ठी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर रायबरेली के सौजन्य से किया। कृषि विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर नीलमा ने बताया कि जो किसान पराली जला रहे हैं वो ना जलाएं, उसके लिए अपने खेतों में 3 फीट के गड्ढे बनाएं और पराली को इकट्ठा करके उसी में डालें और दवा डालने के बाद उसे खाद्य बनाएं जो किसानों के उपयोग होगी। आज इस किसान मेले में कैंप लगाकर योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मैडम अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर नीलमा कुमार है, कृषि विज्ञान केंद्र की मैं अध्यक्ष हूँ। आज बेला टिकई में क्या कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? बेला टिकई में हमारे फसल अवशेष प्रबंधन योजना चल रहा है जिसके नोडल अधिकारी डॉक्टर ए के तिवारी जी हैं, और ये कार्यक्रम हम लोगों ने हमारे आज ब्लॉक लिए हैं और आज गाँव को चुना गया है, एक ब्लॉक से एक गाँव, उसमें हमने ये कि पराली ना जलाई जाए ये कार्यक्रम किया था। और डॉक्टर पनौजिया हैं हमारे, उन्होंने बीज वितरण किया है, गेहूँ का बीज हमने किसानों को वितरण किया है, मशीनों द्वारा बुआई कराई गई है। हमने यहाँ पर आकर देखा भी था भी 5-6 दिन पहले कि कैसा अनाज इनका पैदा हो रहा है, तो मोटा अनाज है। और अब हमारा ये है क्योंकि अब फसल फिर तैयार हो रही है गेहूँ की कटाई पर, तो ये लोग अभी भी उसको ना जलाएँ और उसका जो अगर दाना गिर भी जाता है तो उसको वहीं खेत में मर्ज होने दें, लेकिन जलाएं नहीं, क्योंकि अगर पराली जला देते हैं तो जो ज़मीन का जिंक है वो ख़त्म हो जाता है, तो अगली आने वाली जो क्रॉप होती है उसको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। अगर पराली ना जलाई जाए तो उसके लिए कुछ दवाइयों की व्यवस्था कुछ ऐसा कुछ? हाँ, डिकम्पोजर विधि के द्वारा हमारे साइंटिस्टों ने बताया है कि पराली ना जलाएं। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि केवल इस साल केवल 40 लोग हैं जिन्होंने पराली जलाई है, 40 केस हैं, लेकिन जो हमारे लाभार्थी हैं 200 जो हमने चुने हैं उन्होंने
किसी के यहाँ भी पराली नहीं जलाई है। आज कितने किसान लगभग मौजूद हैं? आज 1000 के किसानों की संख्या आप देख रहे हैं, इसमें औरतें और पुरुष दोनों समान रूप से भाग ले रहे हैं और ये मेला उनके लिए आयोजन किया गया है। विभिन्न कंपनियों की स्टॉल्स लगाई गई हैं जिससे कि किसी को किसान को अगर दवा की ज़रूरत है या कोई पेस्टिसाइड की या कोई खाद की तो वो इनकी कंपनी से परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। राजधानी जयपुर से खबर, जहां है रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर चल रहे धरने को शिक्षा व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने उक्त मांग का समर्थन करते हुए कहा कि वो खुद खिड़की डोला आंदोलन में हजारों की तादाद के साथ उपस्थित होंगे और राजस्थान के विधायकों को भी साथ देने का आह्वान किया। वहीं संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा के दिनेश यादव, शेर सिंह यादव, संजीव यादव ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अहिर रेजिमेंट के गठन के लिए पूरा यादव समाज संगठित है, हमें 36 बिरादरी का समर्थन प्राप्त हो रहा है जिसका प्रत्यक्ष रूप से अजय कुमार, रजनी मेहरवाल ने समर्थन किया। वहीं संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों ने कहा कि तन मन धन से आंदोलन को जब तक जारी रखेंगे जब तक कि अहिर रेजिमेंट का गठन ना हो जाए। अभी अहिर रेजिमेंट को लेके एक अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है 4 फरवरी से, तो उसके बारे में आपका क्या? अहिर रेजिमेंट के लिए हमारा पूरा समर्थन है और हमने कल वहाँ करीब 250-300 गाड़ियाँ लेके, मैं खुद भी कल वहाँ जा रहा हूँ सुबह, और ये तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था और राजस्थान का ही तो इसके लिए लामबंद है और अभी हरियाणा के साथियों ने पूरा जोर लगाया तो निश्चित तौर पे जो सत्ता में बैठे केंद्र सरकार में उन पे दबाव बनाना चाहिए सबको मिलके और अहिर रेजिमेंट जितना जल्दी हो सके इसको बनाना चाहिए। अभी कांग्रेस के एमपी दीपेंद्र हुड्डा जी ने पूरे जोर से कहा है कि कांग्रेस पार्टियों के और भी लोगों को वो कहेंगे, तो आप राजस्थान के जो विधायक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे साथ में? उनको भी एक संदेश देना चाहूँगा कि वो हमारे समर्थन में हमारे साथ हैं। सर, 4 फरवरी से खिड़की डोला में अनिश्चितकालीन धरना अहिर रेजिमेंट के संदर्भ में चल रहा है, उसके लिए शहीदी दिवस जो कि कल है वहाँ पे लाखों की तादाद में हमारे समाज के बंधु वहाँ पहुँचेंगे और एक विशाल वाहन रैली शाहपुरा से लेके खिड़की डोला गुड़गांव तक जाएगी। अहिर रेजिमेंट एक हमारे समाज के लिए मान सम्मान का प्रतीक है और 70 साल से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अब ये लड़ाई हमें लग रहा है कि आखिरी मोड़ पे आ चुकी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि गुड़गांव या आसपास के एरिया में ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई ढाणी नहीं, ऐसे कोई कस्बा नहीं जहां से समाज के बंधु लोग वहां नहीं पहुंच रहे हों, और अब ये अलख जो है हरियाणा से चलती चलती राजस्थान में भी आ चुकी है। कल राजस्थान में बात करें तो हम जयपुर से खुद 100 से 125 गाड़ियाँ यहाँ से हम लेके जा रहे हैं, उसके बाद कोटपुतली से माननीय मंत्री महोदय राजेंद्र जी यादव उनके यहाँ से 150 गाड़ियाँ जा रही हैं, और आसपास जो अहिरवाल का एरिया कहलाता है कि जैसे अलवर है वहाँ से भी जो माननीय विधायक संदीप जी यादव हैं, बलजीत जी हैं, वो भी अपने अपने हिसाब से, और इसके अलावा और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या सामाजिक संगठन हैं यादव समाज के, सभी लोग कंधे से कंधे बढ़ा के आगे बढ़ रहे हैं और कल आप देखेंगे कि एक ऐतिहासिक रैली समाज के द्वारा वहाँ पे की जाएगी जहाँ पे लाखों की तादाद में शांति से हम अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। थोड़े दिनों पहले दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी आपकी मांग उठाई है और भी जो लोग मांग उठा रहे हैं, तो राजस्थान में इस जो आंदोलन है इसको कैसे लेके आएंगे कि आप यहाँ पे मांग उठाएंगे? जी, दीपेंद्र हुड्डा जी ने हमारी मांग का समर्थन किया है, माननीय कैबिनेट राज्य मंत्री जो है राव इंद्रजीत जी उन्होंने हमारी मांग का समर्थन किया है, इसके अलावा समाजवादी पार्टी आरजेडी बसपा के भी माननीय सांसद ने जो है लोकसभा और राज्यसभा में ये मांग उठाई है। राजस्थान में भी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं हम उनसे मुलाकात किए थे आज से 1 महीना पहले, उन्होंने भी हमें लिखित में समर्थन दिया था कि बिल्कुल ये आप लोगों की और हमारी एक जायज मांग है, और उस समर्थन के बाद उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि रक्षा मंत्री जी को हम खुद जो है लेटर लिखेंगे कि भैया ये जो एक जायज मांग है इसको ज़रूर पूरा किया जाए। साथ ही अगले चरण में हम लोग भी जो हमारे 25 लोकसभा के सांसद हैं और 10 राज्यसभा के सांसद हैं उनसे विनती करेंगे कि हर एक सांसद को जो है इसके बारे में लिखना चाहिए और हमें समर्थन करना चाहिए, क्योंकि कुछ घोषणा हमारी संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा ने किया हुआ है जो कौम का नहीं, वो किसी काम का नहीं, और अब वोट उसी को मिलेगा जो अहिर रेजिमेंट की बात करेगा। तो इन्हीं मुद्दों पे हम लोग अब हमारे सभी जनप्रतिनिधियों से आगे बात करेंगे। आज राजस्थान के गृह मंत्री यादव जी ने आपका समर्थन किया है, तो आने वाले टाइम में और राजस्थान से और कौन कौन आपका समर्थन? हम तो हर वो समाज के बंधु से या बाहर के जो जो भी जनप्रतिनिधि हैं, हम चाहेंगे कि ये 36 बिरादरी की मांग है,
क्योंकि जो भी एक मार्शल कौम कहलाती है और हमें जो समर्थन है हर समाज से मिल रहा है, तो समाज के हमारे समाज के अलावा भी जितने भी ये बाहर जन प्रतिनिधि हैं, हम एक एक के पास जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि आप हर एक को जो है इसकी मांग को जायज़ है और इसे मानना चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले वहाँ मोर्चा के वहाँ से एक नारा आया था अखबारों के थ्रू कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप भाजपा के जो नेता है उनको कैसे अपने पाले में लाएंगे? कुछ विधायक ने तो वहाँ पे मांग उठाई है बीजेपी वालों ने भी, लेकिन राजस्थान में आप किस तरह से लेके आएंगे? क्योंकि दिया कुमारी जी ने भी आपका लेटर लिखा है जी, आपके सतीश पूनिया जी ने लिखा है, तो बीजेपी वालों को कैसे साथ में ले जाएंगे? सर, जैसा कि आप खुद ही कह रहे हैं कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने लेटर लिखा है, सतीश पूनिया जी ने भी लिखा है, जब 370 के बारे में आज से पहले कोई नहीं मानता था कि साल भर 1.5 साल पहले से कि 370 कभी हट पाएगी, पर वो हटी है। एक बार ये संदेश अगर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पास जब चला जाएगा कि बिल्कुल ये जायज मांग है, तो मुझे ज़रूर ये यकीन है कि किसी दिन जब लोकसभा जब ये लाल किले से अपने भाषण देंगे तो कहेंगे कि ये तो कोई पुरानी सरकारों की गलतियाँ थी, नहीं तो ये काम तो 70 साल पहले हो जाना चाहिए था। और हमें पूरा यकीन है, ना केवल माननीय मोदी जी, अमित शाह जी और राजनाथ जी सब मिलके एक फैसला लेंगे और हमारी कम्युनिटी के लिए जो हम हक मांग क्या रहे हैं, हम अपने यहाँ पर अपने देश के लिए शहीद होने के लिए सिर्फ अपने यहाँ पर एक तमका मांग रहे हैं और हमें नहीं लगता है कि ये लोग इस चीज़ से पीछे हटेंगे। हाँ, हम अपनी मांग जब तक करते रहेंगे जब तक हमें मिल नहीं जाती, अब हम पीछे हटने वालों में नहीं है। भाई साहब, कल के आंदोलन के बारे में बताओ। ये जो कल खेड़की दोला में प्रदेश स्तर का अहीर रेजिमेंट के समर्थन में जो अहीर समाज सहित 26 बिरादरी के प्रबुद्ध लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि यादव समाज अहीर समाज क्या मांग रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये मांग रहा है कि जो शहीद हो रहे हैं उनको एक सम्मान मिले। हम कोई नया कुछ सरकार से नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ ये मांग रहे हैं कि जो हमारी शहादत है उसको सम्मान मिले। शहादत सदियों से हम देते आ रहे हैं लेकिन एक सम्मान नहीं मिल पा रहा है, उस सम्मान की ही लड़ाई है, बाकी कुछ नहीं मांग रहे। सरकार पे नहीं कोई अलग से भार पड़ रहा है और एक सम्मान हर समाज का हक होता है और वो हक हम ले करके रहेंगे, क्योंकि पूरा समाज जागृत हो चुका है, साथ में 36 बिरादरियों का हमें समर्थन मिल रहा है, जनप्रतिनिधियों का भी, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो सभी का। अभी आपने देखा कि माननीय राज्य मंत्री महोदय ने भी पूरा समर्थन दिया है और ऊपर जो हमारे सेंटर के मिनिस्टर राव इंद्रजीत जी ने भी पूरा समर्थन दिया है और ये जो राज्यसभा के सांसद भूपेंद्र हुड्डा साहब दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने पूरा समर्थन दिया है। तो ये क्योंकि कोई गैरवाजिब मांग नहीं है, वाजिब मांग है और हम तो सिर्फ एक बॉर्डर पे सिर कटाने के लिए सरकार से मांग रहे हैं। मैम, अहीर रेजिमेंट को लेकर जो भी मुहिम चल रही है, आप सैनी समाज से आते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? सर, ये तो एक जायज़ मांग है जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। अहीर रेजिमेंट का ये पूरी होनी चाहिए, मेरा पूरी तरह समर्थन है और मैं तो दूसरी कम्युनिटीज से भी बोलती हूँ और मुझे सपोर्ट भी मिल रहा है इस चीज़ के लिए। और कल जो विशाल रैली है उसमें भी जाने का भी रख रहे हैं हम सब लोग मिलकर के, दूसरी जो जातियों के भी लोग, राजपूत वगैरह, जाट, ये सबका भी समर्थन मिल रहा है। और जयपुर से तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो जा रही है आई रेजिमेंट की जो टीम जा रही है उसका मैं पूरी तरह समर्थन करती हूँ और मैं बहुत अपनी बेस्ट विशेष देती हूँ कि ये जल्द से जल्द आई रेजिमेंट का निर्माण हो। मेरा रजनी मेहरवाल। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, ये पता न चला कि कब ये कद हो गया, मैं तो एक पौधा था पर आज बरगद हो गया। ये पंक्ति राष्ट्रपति भवन में उस समय चरितार्थ होती दिखी जब पद्म सम्मान अलंकरण समारोह के दौरान स्वामी शिवानंद पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष नतमस्तक हो गए। राष्ट्रपति भवन का यह दृश्य देखकर भारत की योग संस्कृति और विनम्रता की अभिभूत हो उठी। कहना गलत नहीं होगा कि स्वामी शिवानंद जैसे व्यक्तित्व से खुद भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री भी सम्मानित महसूस करती होगी। विनम्रता क्या होती है, इस संबंध में कवि रहीम दास ने भी लिखा है कि तरोवर फल नहीं खात है, सरोवर पेहे ही नैपान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। इसका अर्थ है कि जिस पेड़ यानी कि तरोवर कभी अपने ऊपर लगे फल नहीं खाते, तालाब कभी उसमें जमा हुआ पानी नहीं पीते, उसी तरह सज्जन लोग दूसरे के हित में संपत्ति का संचय करते हैं। आपको बता दें कि स्वामी शिवानंद को भारतीय जीवन पद्धति और योग के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया है, वह 126 साल की है।
इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।